रिसेंटली Xiaomi जो कि Redmi Go स्मार्टफोन अपना नया इंडिया में लेकर आया है, यहाँ पर जो कि फोन ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ लेकिन बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा इस महीने के अंदर अंदर। यहाँ पर जो कि आपको इसके अंदर बहुत सारी ढेर सारी स्पेसिफिकेशन मिलेगी और मेन बात यह है कि ये फोन जो कि बहुत ही ज्यादा बजट ओरिएंटेड है। तो आज इस वीडियो में आप बैठे रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि फोन आपको खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, 2019 की स्पेसिफिकेशन से मैच करता है कि नहीं, क्या ये फोन स्टैंड अप हो पाएगा कि नहीं, वीडियो में बने रहिए गाइस। सो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, दिस इज यश एंड यू आर नाउ वाचिंग टेक ब्रदर्स, आपकी अपनी टेक की पाठशाला। तो सबसे पहले Xiaomi Redmi Go की स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 5 इंच की HD डिस्प्ले मिल जाएगी, 1280x720 का पिक्सल डिस्प्ले होगा। बात करते हैं स्नैपड्रैगन की, यहाँ पर आपको Qualcomm स्नैपड्रैगन 425 मिल जाएगा और यहाँ पर साथ साथ में आपको डुअल सिम सपोर्ट मिल जाएगा जो कि नैनो सिम होगी। और ये भी बोला जा रहा है कि इसके अंदर साथ साथ में आप एक मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हो, तो मतलब 3 स्लॉट होगा शायद तक, ये होना चाहिए, मजा आ जाएगी। ये साथ साथ में एंड्रॉइड 8.1 ओरियो यहाँ पर सपोर्ट चल रहा होगा इस फोन के अंदर। बात करते हैं कैमरे की, तो यहाँ पर रियर में 8MP का मिल जाएगा f2.0 का अपर्चर के साथ, साथ में LED फ्लैश भी मिल जाएगी। फ्रंट में आपको यहाँ पर जो कि 5MP देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर f2.2 का अपर्चर है। सो गाइस, ये थी Redmi Go की स्पेसिफिकेशन। अब प्राइसिंग की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 6000 के अंदर अंदर ही ये स्मार्टफोन आ जाएगा, 1GB रैम 8GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। सो गाइस, ये बहुत ही लो स्पेक्स एंड स्मार्टफोन है, मतलब इतना हैंग होगा आप सोच नहीं सकते हो, Xiaomi के फोन है तो हैंग होना बनता है। और गाइस देखा जाए तो अगर 6000 के अंदर आपको किसी अपने दादा दादी के लिए खरीदना है, किसी बुजुर्ग के लिए खरीदना है, तो आप ये ले सकते हो। बहुत छोटी सी डिस्प्ले आती है, 5 इंच की डिस्प्ले, तो मजा आता है, थोड़ा चलाने में इजी वे होता है, लेकिन तो उनको समझ आ जाएगा, मतलब आपके बुजुर्गों के जो भी ओल्ड लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन रहेगा ये, क्योंकि ये बहुत ही बजट में आ रहा है ये फोन देखा जाए तो। और बहुत 425 स्नैपड्रैगन दे रहा है। बैटरी की बात करें, 3000 की बैटरी दे रहा है, तो बहुत ही अच्छा पावर बैकअप मिल जाएगा आपको इसके अंदर। वाईफाई 4G सब सपोर्टेबल है, सो एक हिसाब से बहुत ही अच्छा इन्हें स्पेक्स डाले हैं। और थोड़ी यहाँ पर जो कि रैम 2GB दे देते, 16GB इंटरनल दे देते, तो ये फोन बहुत ही अच्छा यहाँ पर काम कर सकता था, लेकिन 1GB भी ठीक है चलाने लायक है। 425 स्नैपड्रैगन देखते हैं, फोन सपोर्ट भी करते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा हैंग होगा, लेकिन हाँ अगर सही से यूज करना आता है स्मार्टफोन, मतलब लो स्पेक्स, थोड़े लो स्पेक्स के हिसाब से लो आप जो कि एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, तो ये फोन जो कि हैंग नहीं होगा। सो गाइज, आप देख सकते हो अगर किसी को गिफ्ट करना हो, मतलब अभी कोई 7-8 साल का बच्चा है तो आप उसको देना है, मतलब आपको वो दूर जाता है पढ़ने, तो आप सो गाइस ये थी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आए जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, हम बहुत पास है 500 सब्सक्राइबर के, जरूर से करवा देना यार, सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं आपको ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, दैट्स फॉर द वीडियो, बाय बाय।